जिन लीलाओं को श्रवण करने के लिए, जिन लीलाओं का दर्शन करने के लिए सभी देवता तरसते हैं। सूराणम अपि दुर्लभ, ये जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अहो भाग्यम, हमारे भाग्य का वर्णन भला कौन करे। जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है वो कथा हम सब के लिए सुलभ है। निश्चित तौर पर आप सभी इस बात को समझ लें कि स्वर्ग में भी ये उत्सव नहीं होते। ये जो उत्सव यहां हो रहे हैं, चाहे राम प्राकट्य महोत्सव हो, कृष्ण प्राकट्य महोत्सव हो, अथवा भगवान की कथाएं हो, संत ऋषि मुनि कथाकारों के सानिध्य में विराजकर हरि चर्चा हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, अगर आप चाहना भी चाहें, पाना भी चाहें, तो स्वर्ग में यह सब संभव नहीं। ये अगर कहीं पॉसिबल है तो सिर्फ पृथ्वी पे पॉसिबल है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं है जी, और उसके अपोजिट हेल है, गो टू नरक में जा। आजकल के मोस्टली फ्रेंड हमें नरक में भेजते हैं, गो टू हेल। कोई नहीं कहता गो टू हेवन, कहता है कोई, लेकिन हर संत कहता है गो टू हेवन, हर गुरु कहता है गो टू हेवन, हर पुराण कहता है गो टू हेवन। और की तो बात छोड़िए, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैं जहां जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे तू भी कम टू, यही सत्य है। तो मेरा अभिप्राय है जो स्वर्ग में आपको प्राप्त नहीं होता वो यहां प्राप्त होता है। आप लोगों ने रामायण का पाठ किया होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई होप सो कि आपने सुना हो। सुंदरकांड में लंकिनी रावण के नगर की रक्षक एक स्त्री है जिसका नाम है लंकिनी, और वो लंकिनी कहती है, पहले तो वो बड़ा हनुमान जी को जोर दिखा रही थी कि तुम मेरे होते हुए लंका में नहीं जा सकते, मेरा ये वो आहार हो जाता है जो इस लंका में चोरी से प्रवेश करता है। तो हनुमान जी बोले तू झूठी है, अगर सारे चोर ही जो लंका में चोरी करते हैं अगर वो आहार हैं तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा स्वामी, तेरा मालिक है, रावण है, सीता जी की चोरी करके लाया, हरण करके लाया, तो उसे खा जाती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हनुमान जी ने कहा झूठ बोलती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। बेड़ा गर्क हो इस मोबाइल फोन का, जब से आया है व्यक्ति को पहले 10% था, अब 100% झूठा बना दिया। मजाक नहीं है, इट्स ट्रू। मैं कई बार कहता हूं मोबाइल से प्रेम है मम्मी से नहीं। ईमानदारी से बताओ, मम्मी को ज्यादा टाइम देते हो कि मोबाइल को? मोहन को ज्यादा टाइम देते हो कि मोबाइल को? कहते भगवान मिलते नहीं, ले ले मिलेंगे तो भगवान। आई एम नॉट अगेंस्ट मोबाइल फोन, इट्स ओके, यूज करो, लेकिन उसके आदि मत बनो, उसके बिना रह ना सको, इतने बुरे आदि इसके मत बनो। कितने घर तो मोबाइल के चक्कर में टूट गए, पत्नी कहती है चेक कराओ तुम्हारे व्हाट्सएप में क्या है, और पति करा नहीं सकता क्योंकि कराया तो मरा और नहीं कराया तो जो कुछ होगा सो होगा ही। तो बोले कम से कम बचा तो रहे, बोले चेक नहीं कराना बाकी का। कितने लोग हैं जो अपने फोन में लॉक रखते हैं, जो लॉक रखते हैं उन्हें शंका से जरूर देखना, जिसके पास कुछ गड़बड़ नहीं उसे लॉक रखने की जरूरत क्या है भाई? हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी, किस किस का फोन लॉक?
नहीं है। खैर लिव इट, मेरा अभिप्राय है वो लंकनी जो रावण के यहां की रक्षक बनी हुई है, हनुमान जी ने जब उसको थोड़ा सा ज्ञान का मुष्ट का प्रहार किया तो उसका ज्ञान जगा अंदर से। सच यह है कि संसार अंधकार में हम लोग सत्यता को भूल जाते हैं और झूठ से ही प्रेम करते हैं। जब तक गुरु का ज्ञान रूपी मुष्टिका का हमारे ऊपर प्रहार न हो तब तक हमारा ज्ञान जगता नहीं। एक तरीके से आप ये भी समझ लो, ये भागवत हनुमान जी की वही मुष्टिका है जिसका प्रहार होते ही हमारे अंतःकरण का ज्ञान जागृत हो जाता है और हम भगवान के दीवाने हो जाते हैं, अपना सब छोड़ छाड़ के। यहां पर भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे से कह रहे थे हमें वृंदावन ले चलो, हमें यहां नहीं रहना है अब कोलकाता। कल जब परसों कल मिला था परसों कल ना तो जब भी मिला था कई लोगों ने कहा कि वृंदावन चलना है। ये क्या है, ये ज्ञान कहां से आया? अब वो लोग कहेंगे महाराज कथा तो बहुत सारे लोग सुनते हैं उनको तो ये ज्ञान नहीं आता। वो नहीं आ सकता, लंका में विभीषण एकादी होता है, सारे राक्षस थोड़ी राम भक्त हो गए थे। जिनको प्रभु कृपा कर दे उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि अब यहां छोड़ो और वृंदावन में जाके पकड़ लो, ठाकुर जी का चिंतन करो, मनन करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब लंकनी उठी, मूर्छा उसकी दूर हुई, तो जब लंकनी उठी तो प्रार्थना करती हुई बोली, तात मोर अत पुण्य बहुता देखे नयन राम के दूता। एक बात बताएं, राम मिले या राम का दूत मिले, फायदा दोनों में ही है, लाभ दोनों में ही है। आपका मैसेज तो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। राम मिले तो पहुंच गया डायरेक्ट, और राम के दूत मिले तो बोले इनडायरेक्ट पहुंचेगा जरूर, पहुंचे बिना नहीं रह सकता। मेरा पुण्य है, उन लोगों के भाग्य हैं जिनको लोग भगवान की कथा सुनाने वाले मिल जाते हैं, भगवान का मैसेज देने वाले मिल जाते हैं, भगवान तक तुम्हारा मैसेज पहुंचाने वाले मिल जाते हैं, वो भाग्यशाली हैं।